बिहार की सियासत में सबकी नजर एक अने मार्ग पर है कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। लेकिन उससे पहले जो नीतीश कुमार थोड़े से कहें तो सार्वजनिक कार्यक्रमों से भी कहा जा रहा था कि इस दौरान कई कार्यक्रम वो रद्द कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने किसी भी कार्यक्रम को रद्द नहीं किया। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। बक्सर जाना था नीतीश कुमार को ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में। वहां कई फेज के एक फेज एक और फेज दो के विकास कार्यों की भी उन्हें समीक्षा करनी थी। अपने तय समय से 45 मिनट पहले ही नीतीश कुमार बक्सर पहुंच गए। वहां बड़े नेता सब मौजूद थे, नीतीश कुमार के साथ आए और तस्वीरें जो आई वो तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। नीतीश कुमार भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखे। ये कहा जा रहा है कि शिव का आशीर्वाद लेकर अब नीतीश कुमार आगे कदम बढ़ा लेंगे। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन होने वाला है। महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बिहार में गिर जाएगी और नीतीश कुमार पाला बदलकर जेडीयू की पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ आ जाएगी। अश्विनी चौबे नीतीश कुमार के साथ इस पूजा पाठ के क्रम में मौजूद थे। नीतीश कुमार ने भगवान शिव की आरती की और उसके बाद जब बाहर निकले तो अश्विनी चौबे से सवाल किया कि आज क्या कुछ होने वाला है, तो अश्विनी चौबे ने अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया। बाबा आज सब कुछ ठीक ठाक रहा मुख्यमंत्री जी के साथ? देखो भगवान के दरबार में है, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कब तक बाबा सरकार कब तक? ओ यह जो ही राम रुचि राखा काके तर्क बढ़ावे सागा। बोलो परमेश्वर नाथ कि यहाँ भगवान राम की प्रथम कर्म भूमि में दुनिया की विशालतम मूर्ति श्री राम की और रामायण सेंटर बनने जा रहा है, उसका भी भूमि पूजन जल्दी हो। बाबा क्या बात हुई मुख्यमंत्री से क्या बात हुई? जाहे विधि राखे राम अश्विनी चौबे का ये बयान बहुत कुछ कहता है, लेकिन कहती है नीतीश कुमार की तस्वीरें कि नीतीश कुमार ने अब भगवान शिव से भी आशीर्वाद ले लिया है और ये कहा जा रहा है कि आज ही नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और फिर बीजेपी अपने समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपेगी और बिहार में नए सरकार का गठन भी हो जाएगा। यानी कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं अपने पद से इस्तीफा देंगे और फिर बीजेपी के साथ वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।